सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ PS4 कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कौन सी वेरिएंट आप लोग को मिलने वाली है, कौन सी कितने प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है, इसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वारंटी हो गई और डिलीवर होगा या नहीं होगा, होम डिलीवरी कब कहाँ तक पहुँचेगा, किस चीज़ से हम डिलीवर करते हैं, COD होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर से दबा देना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार गाइस, बात कर लेते हैं PS4 के बारे में। हाँ यार, PS4 कहाँ से कैसे सब कुछ जो मैंने बताया आप लोग को सब कुछ मालूम चलने वाला है, ठीक है। तो यार अभी के टाइम पे जो अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है दिल्ली में, थोड़ा थोड़ा नहीं खुल चुका है मतलब, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो अभी घर से निकलना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है गाइस PS4 फैट स्लिम या प्रो, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे आकर DM कर सकते हो, सब कुछ मालूम चल जाएगा आप लोगों को कि कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूँगा क्या रेट वगैरह है। हो सकता है गाइस यार, क्या होता है ना कि अभी जो मैंने वीडियोस बनाई है इसका प्राइस मे भी शायद थोड़ा हाई है या लो है, ठीक है, और वो जो आप मतलब एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आप अगर वीडियो देखते हो तो उस टाइम उसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा बढ़ या फिर घट जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि रियल प्राइस, रियल टाइम प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो प्राइस वगैरह है काफ़ी बढ़िया प्राइस है, और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है, तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट ज़रूर देख लेना। तो गाइस यार, अब बात कर लेते हैं रिपेयर की। रिपेयर प्रॉब्लम यार मैं बताऊँ आप लोग को, रिपेयर प्रॉब्लम ना सब में आ ही जाती है, लेकिन मे भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, शायद अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो भी रिपेयर का होगा खर्चा वो हमारा होगा, बस आप लोग का जो भी खर्चा होगा वो आप वहाँ से भेजने का और यहाँ से भेजने का वो खर्चा आपका होगा। उसके बाद जो भी कॉस्ट वगैरह लगेगा रिपेयरिंग वे, वो सारा हमारा होगा। अगर उसके ऊपर कोई पार्ट्स वगैरह लगने होंगे तो हो सकता है कि वो आपका हो जाए। अगर कम होगा यार मतलब 100-200-500 तक होगा तो वो हम खुद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, उन लोगों को साफ साफ खुद पता होगा यार जिन्होंने ऐसा करवा रखा है, कोई पैसा वगैरह हम नहीं लेते अगर रिपेयर करवाना है तो, ठीक है। जिसको भी कुछ भी होगा तो आराम से बता सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे हर दिन अवेलेबल होता हूँ, या फिर मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे फेसबुक पे, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ पे आप मुझसे बात कर लेना, कोई दिक्कत वाली किसी को बात है ही नहीं यार, आराम से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं मंत्री मॉल ऐप के बारे में। तो यार मंत्री मॉल ऐप जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या चीज़ है, आप लोग बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो गाइस, ठीक है। इसमें क्या करना, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर इसके बाद 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को बस इसमें जो एक गेम होता है ना कलर प्रेडिक्शन वाली, तो वो चीज़ है, क्योंकि यार आज के किसी के टाइम पर ना यार बहुत सारे लोग हैं जिसके पास जो पैसा कमाना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन गेम खेल करके। तो इसमें कलर प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप लोग कि कौन सा कलर आने वाला, डाउनलोड करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। बस 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस ये रहा। और मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक दिन पे ही निकाली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसका कि एक 10 दिन के बाद निकाल सकते हो, 5 दिन के बाद निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जब मर्जी हो जब आप पैसे निकाल सकते हो, और इसमें अगर आप इसको रेफ़र करते हो तो उसको 130 या 135 रुपये आपको तुरंत मिल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर जैसे ही होगा तुरंत आप निकाल सकते हो, टाइम भी नहीं लगता निकालने में, भी कोई प्रोसेस नहीं है, बस 10 मिनट लगते हैं वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, और अकाउंट से भी निकालने में बहुत ही आसान है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे पैसे हैं जो मैंने यहाँ से निकाले हुए हैं, और बहुत ही अच्छा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करो इसको और इन्जॉय करो गेम को, बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसमें, और ये कोई बिल्कुल सही ऐप है, कोई गलत ऐप नहीं है, क्योंकि मैं बहुत वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोग को, और ये बहुत सारा शोध करके मतलब कि सब कुछ मैंने जान लिया है, सब कुछ पता कर लिया है, क्योंकि मैंने भी इसे 10 दिन से यूज़ करा है मैंने, और काफ़ी अच्छे पैसे मैंने कमाए हैं इसे। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस टाइम पर कई लोग हैं ना जिसको PS2 चाहिए, PS3 चाहिए, तो यार वो लोग ना इस वीडियो को देखें और उनको पता चलेगा कि पैसे हम कैसे कमा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा जिसको PS3 PS2 चाहिए तो वो यहाँ से पैसे कमा के अपना एक होता ना कि भाई PS2 या PS3 लेना है तो वो भी ले सकते हैं, और हो सके तो PS4 भी ले सकते हैं इससे, क्योंकि यार बहुत सारे पैसे इससे आ जाते हैं, मे बी 40-40 हज़ार रुपये आ जाते हैं इससे। बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही जेन्युइन ऐप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इस ऐप में, ठीक है गाइस। तो इन्वेस्टमेंट करो, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट में जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, रेफरल कोड मिल जाएगा, वो डालना और डाउनलोड करना, काफ़ी अच्छा ऐप है, बहुत ही मज़ा आने वाला, आप लोग को पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। जेल ब्रेक वगैरह का, तो यार जेल ब्रेक जो है जो अभी मैं देने वाला हूँ
उसमें जेल ब्रेक के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। जेल ब्रेक का कम हो चुका है, क्योंकि यार मैं पहले बता देता था आप लोग को कि जेल ब्रेक के 500 रुपये लगेंगे और गेम लोड के उसके अलग लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम पे, मतलब सब कुछ। और जो प्राइस वगैरह मैंने बताया था उससे भी कम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला अभी PS4, क्योंकि यार लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन खुला ही है तो इसके बाद थोड़ा सा प्राइस कम हो गया है। और मे भी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक महीने के बाद ना प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी PlayStation 4 हो जाएगा। आप लोग के पास भी, जिसको जो जिसका ड्रीम है यार मैं PS4 ले लूँ अपने घर पे लगाने के लिए, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं गेम खेल करके, ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्राइस काफ़ी बढ़िया है, आप लोगों को बताता हूँ। PS4 जो स्लिम था, मैं आप लोग को रिफर्बिश दे रहा था 25 या 26 में, क्योंकि जो कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा था आप लोगों को 25 या 26, ठीक है। तो अब वो काफ़ी बढ़िया हो गया है, जो मैंने आपको 25-26 का बताया था उसमें आप लोगों को मैं गेम वगैरह नहीं दे रहा था, क्योंकि उसमें ओनली वो CD वाला था और वो काफ़ी ज़्यादा न्यू वर्जन में था, मतलब कि वो जेल ब्रेक नहीं हो रखा था। तो अभी मैं आप लोगों को जेल ब्रेक वाला दे दूंगा, जिसमें आप गेम वगैरह लोड करा सकते हो आराम से, क्योंकि यार मैं बताऊँ PS4 में भी अब जो नए नए टाइटल्स हैं PS4 में बहुत ही कम आने वाले, ठीक है, बहुत ही कम, क्योंकि जो भी नए टाइटल हैं जो सोनी लेकर के आने वो PS5 में डालने वाला, ठीक है, जो भी नए नए टाइटल हो PS5 में आएगा। तो मैं आप लोग को, बजट थोड़ा सा ऊपर है तो यार वो ले सकते हैं CD वाला वर्जन, क्योंकि CD वाला वर्जन जो है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है गाइस, ठीक है। और जेल ब्रेक वाला होता है थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे गेम ऑलरेडी डाले हुए होते हैं, आराम से बंदा खेलता है अपना मज़े करता है, ठीक है। तो जो मैं उस समय 25-26 का दे रहा था वो अभी आप लोग को स्लिम मिल जाएगा 21,000 रुपये में, उस समय 25 से लेके 21,000-4,000 रुपये का आपको भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला, आप लोगों का 4,000 रुपये बच जाएगा अगर अभी आप लोगे तो। और अगर 500 GB लोगे, मैंने अभी जो बताया आपको रेट वो था PS4 स्लिम 1 TB का, और अगर आप PS4 स्लिम 5 GB का लेने वाले हो, 5 GB का, तो वो आप लोग को मिलने वाला है 20,000 रुपये का, और ये मिलने वाला है मतलब 1,000 रुपये का अंतर है अगर आप 500 GB लोगे या फिर 1 TB लोगे तो, ठीक है, ये होने वाला है। और प्राइस काफ़ी अच्छा है, अभी आप ले सकते हो, 4,000 रुपये घट गया है और कंडीशन भी बढ़िया मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है, ठीक है। और बात करें तो होम डिलीवरी की, तो यार होम डिलीवरी गाइज आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती होम डिलीवरी में। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जिसको मैंने दिए हैं, PlayStation 2 भी मैंने दिया है, PlayStation 3 भी दिया है, PlayStation 4 भी दिया है, फैट भी दिया है, सब कुछ दिया गया, ठीक है। और बात करते हैं PlayStation 4 के बारे में, तो PlayStation 4 जो है यार वो अभी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन PlayStation 4 फैट में अभी बहुत ही कम है उसके, मतलब स्टॉक बहुत कम है PlayStation 4 फैट का। स्लिम लेना चाहते हो तो स्लिम आपको आराम से मिल जाएगा। और रही बात यार प्रो की, हाँ यार बहुत लोग मेरे से कह रहे हैं कि भाई विशाल भाई मुझे PlayStation 4 प्रो चाहिए, प्रो चाहिए, प्रो चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे को नए में चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं कि यार मुझे ओल्ड में चाहिए, यूज्ड में चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सेकेंड हैंड मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं यार, और मानना भी है इन लोगों का सही कि यार थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा सेकेंड हैंड तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो भी PS5 में जाने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होगा अगर आप लोग ले लेते हैं PlayStation 4 अभी इस टाइम पे प्रो, तो यार प्रो अभी आप लोग को यार नहीं मिल रहा है, सॉरी गाइस, PlayStation 4 जो नया है, नए की बात कर रहा हूँ, PlayStation 4 अभी नया नहीं मिल रहा है। और रही बात पुराने की, तो पुराना आपको मिल सकता है, वो भी हम लोग अभी उतना ज़्यादा नहीं है स्टॉक में, मे भी शायद 1 या 2 होगा, ठीक है, तो अभी कन्फर्म नहीं हूँ मैं कितना है, लेकिन PlayStation 4 प्रो बहुत ही कम है और वो आप लोग को नया में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और सेकंड हैंड में हो सकता है जिसकी किस्मत अच्छी हुई उसको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। बात कर लेना मेरे से, अगर प्रो हुआ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। और बात करते हैं यार PlayStation 4 स्लिम के बारे में, तो स्लिम आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको भी चाहिए होगा आराम से मेरे को DM कर देना, DM करोगे जैसे ही उस समय जो भी रेट वगैरह अगर कम हुआ होगा तो मैं कम का बता दूंगा, अगर वो प्राइस थोड़ा बढ़ गया होगा तो मैं बढ़ा के बता दूंगा कि क्या प्राइस वगैरह हो रहा है, ठीक है गाइस। जो भी हो होम डिलीवरी कोई चिंता मत करना, आराम से होम डिलीवरी हो जाएगा। और रही बात COD की या फिर पेमेंट की, तो यार पेमेंट आराम से आप कर सकते हो, बहुत लोगों ने मेरे को कर रखा है, ऐसा कोई नहीं होता भाई, किसी के साथ स्कैम वगैरह नहीं होता। बहुत लोग जिन्होंने लिया है वो खुद कमेंट करके इसमें बता देंगे, अगर वो वीडियो देखेंगे देख रहे होंगे तो, कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, पेमेंट देते हैं उसका आधे घंटे या एक घंटे के बाद हम बता देते हैं भाई कि ये चीज़ें आपको मिलने वाली है, मतलब सब कुछ तो पहले ही डील हो जाता है, उसके बाद हम बता देते हैं कि भाई आपको अगर गेम लोड करवाना, तो गेम लोड यार आप लोगों को पता होगा कि गेम लोड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब पूरा एक दिन लग जाता है, अगर PS4 हम पूरा तैयार कर रहे होते हैं, 25 गेमें डाल रहे होते हैं तो पूरा एक दिन लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है PlayStation 3 में भी गेम डालने में और PS4 में भी गेम डालने में, अगर आप वो आप लोगों की पसंद की गेमें हुई तो। अगर वैसे तो डले हुए रहते ही हैं, और जो नहीं डले हुए तो उसको तैयार करने में मतलब एक दिन लग जाता है पूरा।
तो हो सकता है कभी कभी एक दिन लग जाए और आप जैसे पेमेंट करो मेरे को ऑनलाइन उसके अगले दिन मैं आप लोग को दे दूँ ट्रैकिंग आईडी, आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका सामान अभी कहाँ पे पहुँचा है, कितने दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यार आपने पेमेंट ले ली और आपको सामान नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से आप लोग को सामान आपका मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात यार COD की, तो COD यार नहीं होता है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं करा पाते क्योंकि हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं कुरियर वालों से कुरियर करवाते हैं, हमारा कोई अपना नहीं है जो हम कुरियर करवाएं और उससे पैसे ले कर वापस ले मंगा ले, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। जो भी है साफ साफ मैं बता रहा हूँ आपको, COD नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी। तो नहीं हो पाता गाइस, आपको पहले पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही मैं आप लोग को दे पाऊँगा। प्लेस्टेशन 2 हो गया, प्लेस्टेशन 3 हो गया, प्लेस्टेशन 4 हो गया गाइस, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यार अभी दिल्ली मार्केट खुला हुआ है, OD1 करके चल रहा है, ठीक है। एक दिन दुकानें खुलती है, एक दिन नहीं खुलती है, ऐसा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बोल दूं अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो अभी दिल्ली मत आना क्योंकि दिल्ली आना अभी सही नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी कोरोना फिर भी है ही, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी दिल्ली मत आओ, मेरे को ऑर्डर दो, मैं यहाँ से आप लोगों को भेज दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपके पास आराम से विदिन 2 या 3 डेज आपके पास आपका सामान पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती गाइस, ठीक है। तो यार वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।